हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप एक CSE VLE हैं और आप डीजी पे एप्लीकेशन यूज करते हैं या वेब पे या तो पोर्टल पे या तो एप्लीकेशन यूज करते हैं और आप लॉगिन करते हैं और आपका ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, जिसमें आपको देखने को मिलता है एरर की AUA लाइसेंस की एक्सपायर्ड, तो इसे आप आसानी से अपने मोबाइल से कैसे सही कर पाएंगे इस प्रॉब्लम को। अगर आप यहाँ पे आपने साइन इन कर रहे हैं डीजी पे एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में, यहाँ पे आपको एरर देखने को मिल रहा है। अगर आप फिंगर से अपना जो डीजी पे एप्लीकेशन है इसको आप अपना लॉगिन कर रहे हैं अपने मोबाइल एप्लीकेशन में, तो यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल जाता है कि आपका जो है ऑथेंटिकेशन एरर AUA लाइसेंस की एक्सपायर्ड। तो इस लाइसेंस की एक्सपायर्ड वाले ऑप्शन को आप कैसे हटा सकते हैं अपने मोबाइल में या तो वेब पोर्टल में, आसानी से कैसे इसको सही कर सकते हैं। तो दोस्तों, बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। आपको चले जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में आपको एक न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है डीजी पे, ओनली डीजी पे आप लिखेंगे। डीजी पे लिखने के बाद आपको इंटर सर्च करना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक डीजी पे की जो CSE वेबसाइट मिल जाएगी, इसको आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आपको ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो डाउनलोड डीजी पे आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको दो प्रकार का मिलता है, विंडो और एंड्रॉयड। तो अगर आप मोबाइल में यूज़ करना चाहते हैं तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एंड्रॉयड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली प्ले स्टोर पर लेके जाएगा। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आपको अनइंस्टॉल करके इसको इंस्टॉल कर लेना है और आपको फिर से अपने CSE डीजी पे एप्लीकेशन को लॉगिन करना है। यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपकी समस्या है वो दूर हो जाएगी और आप इसको ऑथेंटिकेशन, आप इसको लॉगिन अपने मोबाइल एप्लीकेशन में कर सकते हैं और आपका जो है ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है और आप अपने CSE VLE जो आपका डीजी पे है उसमें आप लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ पर आप अपना ट्रांजेक्शन भी सक्सेसफुली चेक कर सकते हैं और ट्रांजैक्शन भी मिनी स्टेटमेंट वगैरह या APS जो निकालते हैं डिपॉजिट या विड्रॉल भी कर पाएंगे। आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे आप किसी भी कस्टमर का आसानी से मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप फिंगर लगाएंगे कस्टमर का तो उसके बाद आपको जो कस्टमर की सारी डिटेल्स हैं आपका मिनी स्टेटमेंट देखने को मिल जाएगा और आपका जो ट्रांजेक्शन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से आप लोग अगर डीजी पे में एप्लीकेशन में आपको AUA लाइसेंस की एक्सपायर्ड का आप एरर देखने को मिलता है तो इसको आप घर बैठे अपने मोबाइल से आसानी से कर पाएंगे। आपको कहीं भी किसी को भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको लोग देखने को मिल जाएगा आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है और आप आसानी से अपने मोबाइल से ही इसको सही कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही था कि आप AUA लाइसेंस की एक्सपायर्ड को कैसे सही कर पाएंगे, CSE जो डीजी पे होता है आसानी से कैसे कर पाएंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।